शब्दार्थन मात्रा पंच पुष्प बाणा 22वां वाक्य है। मन इच्छु धनो 23वां वाक्य है। राग पाश 24वां वाक्य है। द्वेषो अंकुश 25वां। शब्दादि तन्मात्रा इन पांच में पुष्प बाण का दृष्टि करनी है और मन में इक्षु धनुष के समान दृष्टि करना। पहले मनोविकार कहा था इसीलिए, और यहां मन कहा जा रहा है। पहले भी कहा था इनका पुनरावृत्ति नहीं समझना, वात विकार से वृत्ति को लिया और यहां साक्षात वृत्तिमान मन को ही ले रहे हैं। वह इक्षु धनु है, इक्षु मने गन्ने का धनुष के समान धनुष। राग पाश है और राग ही पाश है, राग है पाश का दृष्टि, ऐसी भावना करनी है। राग का मतलब प्रीति प्रेम स्नेह, जो चिपकना है दुनिया के प्रति, वस्तुओं के प्रति चिपकाव है हमारे अंदर, उसी का नाम राग है। और वही पाश है, जीवों के बंधन का कारण है। द्वेष अंकुश, और द्वेष है अंकुश, द्वेष में अंकुश का दृष्टि, क्योंकि देवी के हाथ में रहता है ना। देवी के हाथ में क्या क्या है? पुष्प बाण है, इक्षु धनु है, पाश है और अंकुश है। उन्हीं को बता दिया उनमें क्या दृष्टि करनी है, किसके लिए। बार बार पूछते ना ये सब का अर्थ क्या है, वो देखो अर्थ आ रहे ना सब, किसका क्या अर्थ। हाथ में जो आयुध आभूषण होते हैं, आयुध वगैरह होते हैं, उसका क्या अर्थ है, एक तरह से बता रहे। शब्द स्पर्श रूप रस गंधा तन्मात्र पदेन उच्चन्ते। तन्मात्र शब्द से इन्हीं को लेना, शब्दादि तन्मात्रा, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, यही पंच तन्मात्र शब्द से कहा गया। तेच मुखे अभिमुखा अंते पुरुषाहा, वे जो हैं ये सुखे अभिमुखा अंते पुरुषाहा, सुख में ये अभिमुख रहने पर आपको अच्छा लगता है, या शुरू में ये अच्छे लगते हैं, मुखे भी अपने मुखे मने आरंभ में अच्छे लगते हैं, अंत अंत बड़ा बुरा लगता है। पुरुषा मने एकदम पुरुषता, पुरुष नहीं पुरुष, पुरुष मने हानिकारक बन जाते, दुखदायक हो जाते हैं। ये उनके हाथ में रहने वाले पंच बाणों में दृष्टि करनी है। मुखे मने आरंभे अभिमुखा, जो है आरंभ में हमारे अभिमुख होकर अच्छा होते हैं, अंत जब पुरुषा अंत में पीठ की ओर चले गए, अर्थात हमें दुख देने वाले हो गए। जैसे होता है ना, आदमी पहले बहुत अच्छा था, सामने आ रहा था, पीठ दिखाने लगा, कहते ना मित्र थे तो आमने सामने हुआ करते थे, और शत्रुता गई तो पीठ घुमा के चल देते हैं। वैसे सारा विषय है, जब तक है तब आपको लगता बहुत अच्छा है, इन विनाशी है ही, ये जब जाने लगते हैं तो दुखी दुख देते हैं। अतएव बाण अभिन्न, इसलिए इनको बाण से अभिन्न समझो। अविकृतम मन, जो अविकृत, पहले क्या था विकृत मन लिया था, और अब अविकृत मन, इसलिए विशेषण दे रहे हैं। अविकृत मन क्या है? पूर्ण रेक्षु चाप रूपम भवति, इक्षु चाप इक्षु धनुष, कैसा इक्षु? पूर्ण रेक्षु कर दिया। इक्षु भी चार प्रकार के होते हैं, गन्ना भी चार प्रकार का, तो देखने में सफेद सफेद सा होता है, लाल लाल सा होता है, हल्का पीलापन के साथ होता है, और काला काला होता है, चार प्रकार। सफेद वालों को ब्राह्मण बोलते हैं, जो लाल लाल सा होता है उसको क्षत्रिय कहते हैं, पीले पहले को वैश्य, और काले को शूद्र गन्ना। आयुर्वेद में इसकी बड़ी महत्व है, शूद्र गन्ने का रस से बना गुड़ को किस रोग में इस्तेमाल करना है, नहीं कोई भी गुड़ लाओ किसी भी रोग में इस्तेमाल कर दो, ऐसा नहीं। सफेद गन्ने का गुड़ अलग, लाल गन्ने का गुड़ अलग कामों के लिए होता है, चारों गन्नों का गुड़ अलग अलग रखते हैं, उसको चिन्ह लगाते थे और उसी हिसाब से गुड़। और कितनी पुरानी गुड़ है, कहीं आपको 5 साल पुराना गुड़ उसका उपयोग करना पड़ता, कहीं 10 साल पुराना, कहीं 1 साल पुराना गुड़, कहीं ताजा गुड़ भी इस्तेमाल करनी पड़ती। आयुर्वेद में बड़ी गहन चिंतन इन चीजों का, हर चीज का। अब आजकल क्यों हमें आयुर्वेद फल नहीं दे पा रहा सही सही ढंग से, कारण यही है, कोई भी गुड़ ले लिया, पता नहीं लाल का है कि सफेद का है कि किसी भी रोग में इस्तेमाल कर रहे, दे रहे, कहाँ जान रहा है कोई।
कोई समझता नहीं चीजों को महत्व, और कितनी पुरानी है कि नहीं है कौन जाने, जो मिला वो इस्तेमाल कर दिया तो कहाँ से इलाज होगा उससे है? नहीं बनवाना पड़ता है, मिलेगा कहाँ से, थोड़ी दुकान में मिलेगा, यहाँ को देखना ढूंढना पड़ता है। पर ये तो होता था वैद्यों का, अपने शिष्यों को अन्यों को लगा देते थे, जाओ वहां से कहाँ खेती में कहाँ सफेद गन्ना लग, पता लगाओ कहाँ लाल गन्ना लगी है कहाँ काला गन्ना लगी है। कहीं दक्षिण में देखो काले गन्ने लगते हैं ज्यादा, मंड्या डिस्ट्रिक्ट वगैरह में काले गन्ने खूब लगते हैं, और वहीं आप इधर हो जाओगे हासन के उस तरफ में लाल गन्ने बहुत मिलेंगे। अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार के, आंध्र में अधिकतर पीला गन्ना ही होता है, इधर आप देखिएगा सफेद सफेद पतले पतले गन्ने होते हैं, पतले पतले बारीक बारीक सी, और सफेद सा रहता है ज्यादातर, सफेद ही रहती है यहाँ उस टाइप के होते हैं। अभी अलग अलग क्षेत्र में हो रहा है ना, और वहां के वहां से बनवा के गन्ना मंगाना पड़ेगा गुड़, वैद्य लोग मेहनत करते रखते थे इसे, तभी एक खुराक दो खुराक में खत्म कहानी। अब यहाँ पर जो साल वो बार लेते कोई लाभ नहीं हो रहा, गुड़ वैसे चाहिए ना। हमने को आज दमा थी, मैंने कहा आप दवाई दीजिए, मैंने दवाई बता दिया, कहले 5 साल पुराना गुड़ से रहना पड़ेगा, और ढूंढते फिर 5 साल पुराना गुड़ कहाँ मिले ना मिला। हमने बोला अरे तुम ढूंढना नहीं आते हो, खारी बावली चले जाओ दिल्ली में, खारी बावली में जड़ी बूटियों का बाजार है दिल्ली, 5-5, 6-6, 10-10 मन चले भरे पड़े माँ लिखा रहता है अमुक साल पुराने माँ है। वहाँ गए, वहाँ एक के पास मिला, वो ले आए, एक हफ्ता के अंदर उसका काम कर गया, कोर्स पूरा करो दोबारा आएगा ही नहीं, ये पिछले साल जून की बात है, और तब से रहा तो उसको हाथ में अटैक ही नहीं हुआ, ये जून में बीत गया, एक साल बीत गया, बताओ सही गुड़ मिला है काम कर गया था भाई, नहीं तो काम नहीं करेगा, ताजे गुड़ से ले तो जिंदगी भर लेते रहते। तो ये चीजें ऐसी है ना कि जानकारी नहीं लोगे, और जानकार हैं तो वो लाए हुए कहाँ से ढूंढे, कहाँ से, समस्या ये है। जब उसमें भी लाल गन्ने का गुड़ होता एक ही अटक में एक ही बार खुराक में खत्म, वही हम दे रहे हैं काम कर रहा है। अब तरीका है ना देने की, वो जानेंगे नहीं तो काम करेगा ना, इसलिए ये सब चीजें हैं। यहाँ पर पुंडर पर याद आया, पुंडरेक्ष चाप रूपम विषय परामर्श रूपाणाम इंद्रियाणाम प्रेरकत्ता, क्योंकि धनुष क्या करता है बाण को प्रेरणा देता है ना जाने के लिए, धनुष चढ़ाएंगे आप और बाण खेचेंगे उसको टंगार छोड़ते हैं तो बाण को प्रेरणा देने का साधन कौन है, धनुष है। इसी तरह से इन इंद्रियों को विषयों की ओर जाने की प्रेरणा कौन दे रहा है, मन दे रहा है, इसे मन में ही धनुष का दृष्टि, धनुष में मन का दृष्टि करना है। राग प्रीति ही या राग उनका नहीं लेना योग सूत्र वाले का, या राग एक तत्व है जो शैव और शाक्त दर्शनों की 36 तत्व में से एक तत्व का नाम राग है, वही बोले शक्त्रिंशद अंतर्गत तत्व विशेष न तो इच्छा सामान्य, अन्य लोग राग कर करते इच्छा करते हैं, इच्छा सामान्य को यहाँ नहीं लेना, कामना सामान्य करते हैं नहीं लेना, यह प्रीति विशेष, प्रीति विशेष मैंने चिपकना, उसका नाम यह राग, बेटा है मेरा, बेटा है मेरा, बेटी है मेरी, माँ है मेरा, बाप है मेरा, मेरा के जो चिपके हुए हैं उसे अलग नहीं हो पाते, नहीं ऐसे चिपके उसे अलग नहीं हो पाते, राग संग छूटती है, सत्य का संग कैसे करोगे। मैंने दृष्टांत दिया, हम लोग ऐसे चिपके हुए हैं जैसे वो चिपका हुआ है, क्या गो चिपकता है घोर पड़े, गो जानते हैं एक जंतु होता है इतना छोटा सा पूछ होता है, इतना इलाज लंबा पूछ इतना लंबा पूछ होता है एक फुट से, उसको चिपका फेंक दे जाओ ऐसे पकड़ लेगा जबरदस्त, दीवार टूट जाएगा लेकिन वो छोड़ेगा नहीं दीवार, उसमें रस्सी बांध के सैनिक चढ़ गए शिवाजी अपने सैनिकों के साथ, वो हिला भी नहीं, ऐसे चिपका हुआ है। मैंने दृष्टांत दिया और कहा इस तरह से आप लोग संसार में इतना चिपक गए हो, या 500 गुरु लोग पीछे पड़ जाए तुम्हारा तो तुमसे छोड़ते नहीं हो, तुम्हारी मुक्ति कैसे हो, एक दो गुरु क्या करे बेचारे, सैकड़ों गुरु तेरे पीछे लग जाए तो तुम तो चिपका को छोड़ते ही नहीं संसार,
तो गुरु को क्यों दोष देते हो? तुम छोड़ो ना उधर से, तब एक ही गुरु से काम हो जाएगा। कौन था इतनी मोह ममता, इतनी छिपकाव है, इतनी राग, इतनी संग है उसमें, वो छोड़ ही नहीं सकते। स्वप्न में भी इनके जैसे दृश्य आ जाए, बेटा को चोरा है, बाप को चोरा है, उठ के खड़ा हो, है क्या हो गया? अरे स्वप्न में भी जब झाड़ा झूठा, वहां झूठा दिखाई दिया, उसमें भी उछल गया। इतनी राग, इतनी प्रीति है, इतनी चिपका है, कहा छूटेगा? अमुक्ति विचार है, कैसे हो? इसे कहते हैं हम इच्छा सामान्य को नहीं ले रहे हैं राग शब्द से, उस प्रीति को ले रहे, उस चिपकाव को ले रहे जो 36 तत्वों के अंतर्गत बताया गया तत्व विशेष है। न तो इच्छा मात्र सा इच्छा सामान्य तेन अरुणा वाग देवताया देवता वासनया न पुनरुक्त्या। इसे पूर्व में जो अरुणा जो वाग देवता बताई गई थी उसके साथ इसका कोई पुनरुक्ति दोष नहीं है। बंधकत्व साम्यात तस्य पाश भेद, और बंधकत्व को लेकर के समानता हो है इसलिए इसको पाश के साथ अभेद कर दिया गया। पाश में राग का दृष्टि करो या राग में पाश का दृष्टि करो। द्वेष क्रोध, द्वेष ही क्या है? द्वेष क्या देना? क्रोध लेना जो अंकुश डालता है। तस्य द्वेष्यात् निवारकत्व अंकुश, क्योंकि वह द्वेषी व्यक्ति वस्तु से निवारण करता है ना, इसे उसको अंकुश कहो। जिससे द्वेष हो जाता क्या करते, उससे दूर हो जाता ना, यही अंकुश डालना। आपकी प्रवृत्ति थी उसकी ओर में भी, अब उसमें द्वेष हो जाने से क्या हुआ, प्रवृत्ति रुक गई, मैंने आप प्रवृत्ति पर अंकुश पड़ गया। इसलिए जो अंकुश माँ पकड़ी हुई है त्रिपुरा सुंदरी, उस अंकुश में दृष्टि क्या करना है, द्वेष दृष्टि करना। तस्य द्वेष्यात् निवारकत्वात् अंकुशत्वं उक्तञ्च रहस्य नाम सहस्रे, ललिता सहस्र नाम में यह श्लोक आया भी है। रागस्वरूप पाशाद्या क्रोधाकारांकुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षको दंडा पंच तन्मात्र सायका। साफ साफ कह दिया, क्रम थोड़ा आगे पीछे। रागस्वरूप पाश से आद्य अर्थात धनी है वो देवी, क्रोधाकार अंकुश से उज्ज्वल है वह देवी, मनोरपिक्षु को कोदन रूपेण धारण की है वह देवी, और पंचतन मात्र ही है बाण है जिसके हाथ में, ऐसी है वह देवी। तंत्र राज में भी कहा गया तन्मात्रा पुष्प सहायका मनोभवेद क्षुद्धनु पाशो राग उदीरितः द्वेषस्यादंकुश प्रोक्त क्रमेण वर वर्णिनी। वर को वर्णन करने वाली है देवी, वर वर्णिनी देवी का संबोधन है, जो शिव को रूपी वर को वर्ण करने वाली होने से वर वर्णिनी कहा जाता है। ये तन मात्रा ही आपके हाथ में रहने वाले पंच पुष्प बाण है समझ लो, और आपके जो मन है वही ये धनुष है, और आपके अंदर जो मेरे प्रति प्रीति है वही पाश है, और आपके अंदर मेरे अभक्त के प्रति जो द्वेष है वही आप में विद्यमान अंकुश है। ऐसा क्रम से चीजों को समझें हे देवी, ऐसा बनकर बता दिया। इस प्रकार से 25वें वाक्य तक व्याख्या पूरा हो गया। अव्यक्त मद अहंकारा कामेश्वरी वज्रेश्वरी भगमालिन्यो अंतस् त्रिकोणगा देवता। अभी तीन तत्व ला रहे, सारे तत्व गिना दिया, पंच ज्ञानेन्द्रिया पंच कर्मेंद्रिया पंच भूत पंच तन्मात्र सब आ गए ना, सारी चीज गिनते गिनते अब 36 तत्व गिन चुके हैं सब। अब आ रहे अंतिम तीन ले रहे, अव्यक्त मद अहंकारा, यहां भी क्रम बदलेंगे, क्रम को बदल के लेना पड़ेगा, इसलिए एक नंबर टिप्पण है और भाष्यकार स्वयं भी कहेंगे काफी बार। कामेश्वरी वज्रेश्वरी और भगमालिनी नाम की तीन देवता है ना, वो त्रिकोण में विद्यमान जो देवता, अंतस् त्रिकोणगा देवता, त्रिकोणगा त्रिकोण में होने वाले, उसमें भी भीतर में होने वाले ये तीन प्रमुख देवियां हैं। इन तीन देवियों को अव्यक्त मधुर अहंकार से भेद करके उपासना माने भावना करनी चाहिए। किसके साथ कौन सा, थोड़ा क्रम बदल कर बताएंगे, यानी कि अव्यक्त तो कामेश्वर के साथ नहीं लेना, क्रम विपरीत उल्टे क्रम से जाएंगे।
पहले एक नंबर टिप्पण देके भाषण रो देना, अव्यक्त में अहंकारम होना चाहिए मंत्र में पाठ, यदि पाठ अपेक्षा नहीं। परंतु मुद्रित पुस्तकेशु सर्वत्र उपरीव पाठ दर्शनाद ऐसे वत्त स्थापित, यदि अन्य सभी कारण क्या करते पुल्लिंग बहुवचन कर दिया, नपुंसकलिंग एक वचन नहीं किया है, इसलिए हमने यहाँ पर अन्य सभी ग्रंथों को देखते हुए वहां पुल्लिंग बहुवचन रखा है, अहंकाराह बहुवचन कर दिया, अहंकारम नपुंसकलिंग एक वचन नहीं किया, इतना ही अंतर है। आप क्योंकि उन्होंने भी समास माना, द्वंद समास कह दिया, इतरेतर योग द्वंद समास करते हैं तो पुल्लिंग बहुवचन हो जाता है, और समाहार द्वंद समास करते हैं नपुंसकलिंग एक वचन होता है, समास के ऊपर है, फर्क कुछ नहीं पड़ता है खास। देखिए भाष्य में, अत्र महा अव्यक्त शब्द, महाशब्द का अर्थ बुद्धि तत्व और अव्यक्त शब्द प्रकृति तत्व पर, महद अव्यक्त शब्द बुद्धि प्रकृति तत्व पर, महत् शब्द से लेना बुद्धि तत्व और अव्यक्त शब्द से लेना प्रकृति तत्व को लेना, अहंकार से अहंकार ही लेना है, वो तो स्पष्ट है ही। अव्यक्तादि पद द्वय समाहार द्वंद्व, अव्यक्तादि पद द्वय में समाहार द्वंद करना, अव्यक्त और मत इन दोनों में समाहार द्वंद करनी चाहिए। परंतु न यथासंख्यम तृतीय और अवेद, किंतु यथासंख्य क्रम नहीं लेना, देवियों का जो नाम है ना उनको के साथ पहले को पहला, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा जोड़ने का नाम यथासंख्य होता है, वैसे अन्वय नहीं करना। तृतीय और अभेद अपितु, फिर कैसे करना, क्रम देखो बदल दिया, अव्यक्त ठीक, अहंकार और महदाकार, क्रम बदल, अहंकार जो अंत में थे बीच में लाया, अव्यक्त अहंकृति महदाकार प्रति विलोमतः कामेश्वरी आदि देवी, प्रतिलोमतः, प्रतिलोम ने विलोम से उल्टे क्रम से लेना पड़ेगा, कामेश्वरी आदि देवी स्मृति तंत्रोप प्रंगणानुरोधेन, तंत्रराज आदि ग्रंथों में उपासना प्रकरण में जिस प्रकार से उन्होंने कथन किया है उसके अनुरोध से वित्क्रमेण वासना, वित्क्रम से भावना करनी चाहिए। वित्क्रम से भावना करने का मतलब क्या है, अहंकार को किसे जोड़ेंगे आप, अहंकार को जोड़ने का प्रयोग विधि में भी दिखेगा ना, वो ऐसे नहीं मिलेगा, प्रयोग विधि में मिलेगा, हृदय त्रिकोण, इसी पन्ने का अंतिम से दूसरी पंक्ति देखो नीचे प्रयोग समाप्त, इसमें हृदय त्रिकोण अग्रभाग रूप महतत्वात्मने कामेश्वरी देवी नमः, समझ में आएगी। क्रम क्या रखा इन्होंने, पहले बदला देखो, अव्यक्त अहंकार और महत, और महत को जोड़ा कामेश्वरी से उल्टे क्रम, यहां तीसरा है महत, और नामों में पहले के साथ जोड़ा ठीक, और तदक्ष कोण रूप उसके दाहिने कोण में रहने वाला अहंकार आत्मने वज्रेश्वरी देवी नमः ठीक। और अगले प्रश्न पहला पंक्ति नीचे, तद वाम कोण रूप अव्यक्तात्मने भगमालिनी देवी नमः, एक तो समास का क्रम भी बदला और देवी का जो जोड़ना है अहंकार को कामेश्वरी के साथ, ये महत्त्व को कामेश्वरी के साथ, अहंकार को वज्रेश्वरी के साथ, और अव्यक्त को भगमालिनी के साथ जोड़ा, उल्टे क्रम जोड़ दिए। ये जैसा वहां तंत्राजा अन्य ग्रंथों में विधान है उस विधि के अनुसार ही हमें चिंतन भावना बनानी पड़ेगी। तंत्रोपृंगणानुरोधेन वित्क्रमेण वासना, हमने भावना करनी चाहिए। अब अगला जो वाक्य है बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है, अब सोपाधिक ब्रह्म निरुपाधिक ब्रह्म की ओर जा रहे हैं, तत्व हो गए सारे, इसलिए इसी अवतरणिका दे रहे। देखिए, अत्र मुख्या विशेषिया ललिता, देखिए सारे भावनाओं का मुख्य जो विशेषीभूत वस्तु, अर्थात क्या है, बाकी सब क्या हो जाएंगे, विशेषण, विशेष्य और विशेषण, उसे मुख्य विशेष हो, बाकी सब विशेषण होंगे, और उनमें कुछ गौण विशेष भी हो सकते हैं, इन विशेष विशेषण भाव अनेक होने पर वह मुख्य विशेष एक ही होता है, और इस श्रीयंत्र में मुख्य विशेष वस्तु कौन है, साक्षात ललिता ही है।
मुख्य विशेषिया ललिता, विशेषता उच्छेदक, और विशेषता को परिच्छिन्न कौन करता है? कामेश्वर माने विशेषण, कौन हो गया? कामेश्वर हो गया। तो एक तत्व हो गया, या कुल 11 बताएंगे, 11 पदार्थ इकट्ठे ले रहे। देखिए पहला पदार्थ हो गया ललिता देवता देवी साक्षात, ठीक। दूसरी होगी उसको परिच्छेद करने वाला कामेश्वरी, दूसरा तत्व। अनयोश्च रक्त चरण रूप के रक्त शुक्ल वर्ण, इन दोनों का रक्त चरण रक्त पाद रूपा होकर के दो रूप धारण कर लेंगे, एक लाल एक सफेद, ये दो तत्व हो गए। तीसरा चौथा रक्त और शुक्ल, रक्त से तात्पर्य सदाशिव हो जाएगा और ईश्वर बन जाएगा, शुक्ल हो जाएगा। अनियोर एनियोर एव संबंध विशेष, उन्हीं दोनों का इन्हीं दो स्वरूपों के साथ जो संबंध विशेष है वो पांचवा तत्व है। तस्यै वस्तु अनियोर एव माने ललिता और कामेश्वर का, ललिता और कामेश्वर का, इन दोनों माने रक्त चरण और शुक्ल चरण के साथ जो संबंध विशेष है वो पांचवा तत्व है। तस्यैव और उसी का स्थूलम छठा तत्व, सूक्ष्मम सातवा तत्व और मिश्र चरणत्वम ये आठवा तत्व, इति तृतीयम रूपम भवति। वही जब सोपाधिक होते जाता है, स्थूल उपाधि वाला, सूक्ष्म उपाधि वाला, मिश्र उपाधि वाला बनेगा। इन सबका विस्तार बताएंगे क्या क्या करके मंत्र व्याख्या में, ये तो भूमिका दे रहे केवल। प्रकारत्वेन विषय उपासक, प्रकारत्वेन जो विषय है यहाँ पर कौन होगा, जिसका ये विशेष और विशेषण हो रहा है, किसने विषय का होगा ना, विषय कौन है वो, ये उपासक ही विषय है। ये उपासक हो गया विषय, ये नौवा तत्व हो गया। तत्र मुख्य विशेषण सह संबंध, और इस उपासक का मुख्य विशेष कौन है, ललिता, उसके साथ जो संबंध है ये दसवां तत्व हो गया, मैंने उपास्य उपासक भाव रूपा संबंध। प्रकारता अवच्छेद, और इस प्रकार होता जो उपासक है इसका अवच्छेद कौन है, इसका कौन परिचय कर रहा है, अंतकरण आदि उपाधि है ना, वो ग्यारहवा तत्व है, जीव को उपाधि ग्यारहवा तत्व है। प्रकार अवच्छेद इति एकाश पदार्थान, आगे ना इन ग्यारह पदार्थों को त्रिभिर्वाक्य 27, 28, 29 इन तीन वाक्यों के द्वारा विवेचयति निरुपाधिक इत्यादि भी, निरुपाधिक इत्यादि वाक्यों के द्वारा, तीन वाक्यों के द्वारा इन 11 तत्वों का विवेचन किया जा रहा है। इतना संक्षेप में तीन वाक्य है, लेकिन इसके अंदर कितनी गहन बात कही जा रही है। निरुपाधिक संवित देव कामेश्वर, जो निरुपाधिक संवित है वही कामेश्वर है। निरुपाधिक ज्ञान शुद्ध ब्रह्म, सदानंद पूर्ण स्वात्म पर देवता ललिता, सदा आनंद पूर्ण है वो, स्वात्मा एव जो परदेवता वो ललिता है। कामेश्वरांक निलया, ललिता के कैसे कहते हैं कामेश्वरांक निलया, कामेश्वर निरुपाधिक ब्रह्म, निरुपाधिक ब्रह्म जब माया जुड़ेगी सोपाधिक जब हो जाती है तो उसका नाम ललिता हो जाता, शक्ति प्रधान हो गया, माया प्रधान हो गया, उपाधि प्रधान आ गई और उपहित चैतन्य गौण होगा, यही तो हो रहा है। उत्तर उत्तर क्या हो रहा है, उपाधि में प्रधानता बढ़ती जा रही है और उपहित में घटते जा रहा है। स्थिति ऐसी आगे मनुष्य होते होते अब शरीर ही सब कुछ है, चैतन्य को कौन जानता है, चैतन्य तो पूर्ण रूप में भूल गया। ईश्वर को तो मालूम था मैं चेतन हूं, माया उसका अधीन है, फिर भी माया की उसके अंदर भी महत्व है, उसको प्रधानता दे रखा है वो, उसके लिए खेल खेल रहा है वो, लेकिन चैतन्य का भी भान है, होश है, मैं चैतन्य, ये भी बात उसके अंदर है, लेकिन वह ज्ञानी घटते जाता है। जब ईश्वर से हिरण गर्भ होता है समष्टि भाव में आ जाता है, समष्टि के प्रति थोड़ी भाव बढ़ गई, चैतन्य में थोड़ा घट गया, विराट रूप होता है और चैतन्य तक महत्व घट गया और स्थूल संसार का महत्व बढ़ गया, और वृष्टि में आने की बात तो कहना ही क्या है, चैतन्य का महत्व तो समाप्त होते जाता है और संसार का महत्व, उपाधि का महत्व तो बढ़ते जाता है।
जो पहले में ऐसा हुआ ना, वो सच्चिदानंद साम्य रूप था, अब वो सानंद रूप हो गया, सदानंद रूप हो गया ना, पूर्ण हो गई उस एक उपाधि विशेष, आनंदात्मक उपाधि विशेष पूर्ण हो गई, माया हो गई। स्वात्मैव परदेवता ललित, स्वात्मैव स्व अभिन्न एवचरता, मैंने वहां पे चैतन्य और माया में भेद नहीं है, माया विशिष्ट चैतन्य में माया से अभिन्न ही रहेगा चैतन्य, चैतन्य से अभिन्न माया रहेगी, उसी का नाम ललिता। इसलिए हम लोग वहां क्या कहते हैं, शिव शक्ति के रूपिणी, निरुपाधिक चैतन्य क्या है, कामेश्वर शिव, ललिता मने शक्ति, ये दोनों क्या है, ऐक्य रूपिणी, भेद नहीं। लौहित्यम एतस सर्वस्य विमर्शः, लौहित्यम एतस सर्वस्य विमर्शः, इन सभी का विमर्श रूपा क्या है, लौहित्य ही है। सब पद के द्वारा कामेश्वर, ललिता और स्वयं च, तीनों को लेना, कामेश्वर को लेना और ललिता को लेना और स्वयं ने विमर्श को लेना, प्रकाश विमर्श रूपिणी हो गई। पहले न प्रकाश था न विमर्श रूप था, शुद्ध रूप था, उसमें प्रकाश रूपता आना यही ललिता है, और विमर्श रूपता आना और नीचे हो गया, और वहीं से सब कुछ बहन हो गया, इदम सर्वम हो गया, इसे सर्वस्य दे दिया। विमर्श लौहित्याम, यही देवी में विद्यमान लौहित्यता, इसे हमेशा देवी का लाल 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 दिखाते, लाल साड़ी पहनी जाती, सब लाल लाल ही पसंद बताया जाता है, सिंदूर लाल, सब लाल, लिपस्टिक भी लाल चाहिए, काली नहीं, अंगुली अंगूठी इत्यादि सब में नाखून में लाल लाल लगा देते हैं, लाल लाल ज्यादा पसंद होता है, ये लौहित्यता उसमें आ जाती है। कदाप जिसके इसका भाष्य, निरुपाधिक संविद्देव कामेश्वरः, मैंने उपाधि रहित शुद्धम चैतन्यम एव बिंदु रूप कामेश्वर, बिंदु रूप कहते उपाधि रहित शुद्ध जो चैतन्य है वही बिंदु रूप है, वही चैतन्य है, वही कामेश्वर है। संविद कामेश्वर स्मृतः इति उपबृंगणा, तंत्र राज नामक ग्रंथ में साफ साफ कहा है जो संविद वही कामेश्वर है। नहीं उसको नहीं ले, इसे तो मैंने कहा ये बिंदु माया विशेष नहीं है, शुद्ध चेतन को बिंदु कह दिया यहाँ पर, ये तो मैं फर्क बता रहा, और क्या कहा, यही फर्क करने के लिए मैंने कहा ये बात, देखो बिंदु कह दिया इसको, शुद्ध चेतन को बिंदु कह दिया, इसे बिंदु शब्द को लेकर आप मत रटिए, कहीं बिंदु से माया विशिष्ट है, कहीं बिंदु से शुद्ध चेतन है, किस प्रकरण में कहा जा रहा है वो मुख्य है, शब्दों को मत रटिए मत। यहाँ सदानंद पूर्ण स्वात्मी परदेवता ललिता, इस पर भाष्यकर कर रहे, संविदो निरुपाधिकत्व विशेषण बलात् तद अंक निलयाय परदेवताय किंचित उपाधि विशिष्टत्व मात्रेण ततो भिन्न उपास्यत्व भवति, भिन्न उपास्यत्व, जो संविद था जो निरुपाधिकत्व विशेषण बल से, तद अंक निलयाय उसी के आश्रय उस अधिष्ठान में रह करके, तदंक मैंने अधिष्ठान हुआ, उसके गोदी में रहने का मतलब गया अधिष्ठान में रहना, ऐसे शुद्ध चैतन्य निरुपाधिक शुद्ध चैतन्य रूपी अधिष्ठान में रह करके परदेवता है किंचित उपाधि विशिष्ट, उस परदेवता में क्या हुआ, किंचित उपाधि से विशिष्ट हो गई, तब मात्र से ही ततो भिन्ना, वो कामेश्वर से भिन्न हो गई और उपास्य कोटि में हो गई, जो शुद्ध ब्रह्म है वो उपास्य नहीं है, वो तो आप ही है, उसी क्या उपासना करनी, उपास्य कोटि में नहीं शुद्ध ब्रह्म, ललिता उपास्या है, क्योंकि वो किंचित उपाधि आ गया, आनंद रूप उपाधि विशेष झलक गया, तादृशश्च, और ऐसा है कौन, स्वात्मैव अर्थात स्व अभिन्न एव पर देवता, स्व अभिन्न ही है वो परदेवता, मैंने कामेश्वर से अभिन्न ही है वो परदेवता ललिता, ये नहीं कि अधिष्ठान में रहने वाला जैसा
ये यहाँ है उसके ऊपर घड़ा रख दो, अधिष्ठान से घड़ा भिन्न है ना, इसे घड़ा को उठा के ले जाओ, अधिष्ठान धरती तो वहीं रह गई। ऐसा नहीं समझना अधिष्ठान यहाँ दलिता और कामेश्वर शिव और शक्ति के बीच में, शिव अधिष्ठान है उसमें शक्ति रह रही है, मैं जब ये निकाल दो अलग कर दो ऐसा नहीं हो सकता है, वह अभिन्न। इसे कहते स्व अभिन्न एव अपर देवता उपास्तिर्भ ज्ञान विशेष निरूपयितु निरूपित मुख्य विशेषता शालिनी इत्यर्थ। उपासना रूपी ज्ञान विशेष का निरूपण के लिए मुख्य विशेषता को प्राप्त हो गई है वो, कि किसी भी उपासना में आप पूछे इसके तरह उपास देवता मुख्य देवता कौन, यही तो लड़ाई हुई, सात ऋषि बैठे हुए सप्त ऋषि और हवन कर रहे थे, वहां जो लोगों ने मिलके देवता ने मिलके भेजा नारद जी को, जाओ पता लगाओ ये किस देवता को जो है हवन कर रहे हैं, एक शिव जी का भक्त है, कोई विष्णु का भक्त है, कोई माँ का भक्त है, वो कहते हैं मैं तो माँ को देश कर रहा हूँ, अब वो कह रहे हैं मैं शिव जी को, वो कहते हैं मैं विष्णु को, वो कहते हैं ब्रह्मा जी को। तब तो नारद जी ने कहा एक यज्ञ में अलग अलग कौन से प्रधान देवता हो सकता है, एक प्रधान होगा ना, बाकी तो गौण करना पड़ेगा। तो प्रश्न उठा, ऋषि लोग कह रहे हैं हमारा देवता प्रधान, हमारा देवता प्रधान, लड़ाई हुई सातु ऋषि के बीच में, कहे कैसे हो तुम नारद जी ने, ऐसा लड़ो मत, एक तरीका है आप लोग समर्थ सब लोगों में जाने में, आप सबके पास जाओ लिस्ट बना लो किन किन कौन सी देवता, उनके पास जाओ क्रम से, जो आपके पास सुने और आपको फल देने को तैयार हो, आपको मान सम्मान दे, वो आपका देवता है। जब आपके बात ना सुने तो आपको क्या देवता बनाओ, कोई फायदा नहीं उसके पास उसको लेकर हवन करने का, वो उसको प्रधान मत और उसको कौन रखो फिर, सब ने हाँ कर दी। तो भृगु चल पड़े, भृगु महर्षि बोले कि आप हैं सबसे तेजस्वी, आप जाइए सबकी परीक्षा लीजिए। शिव जी के पास गए, पहले इंद्र के पास गए, इंद्र तो बस बैठा है, वेश्या नाच रही है, वो देख भी नहीं रहा है भृगु महर्षि, शाप दिया उसको, तेरी दुनिया पूजा ही नहीं हो, कोई नहीं पूजा करे तेरी, दो हवन ना करे कुछ ना तेरे नाम। और फिर आगे बढ़े शिव जी के पास गए, वो तो समाधि में बैठे, अरे तू तो समाधि में है कि सो रहा है, तू जाने इसे तमोगुणी लोग तेरी पूजा करेंगे। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी में लिखा पढ़े मिले गए, सब गए प्रारंभ लिखे जा रहे, जब पैदा हो रही दुनिया उसकी लिख रहे हैं मस्त है, उन्होंने भी नहीं दिया तो जो है उनको भी साफ दे दिया, तुमको कोई कोई बिरला ही पूजा करेगा, हर एक व्यक्ति नहीं पूजा करेगा। आज विष्णु के पास गए, वो भी लेटे पड़े लक्ष्मी पैर दबा रही है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा प्रभु का, लेकिन सब सब मेन देवता ऐसे हैं तो फिर क्या होगा, अब छोड़ दो दूसरे छोटे मोटे कहाँ जाए, वो तो और बेकार होंगे, गुस्सा आया उसको लात मारो भगवान, लात मारो। तो भगवान उठे, हो महाराज महर्षि जी आइए आइए, हम तो अपनी योग निद्रा में थे, आपने जगह बहुत अच्छा किया, क्षमा कीजिए बहुत देरी हो गई, आपको खड़ा होना पड़ा, आपके पैर में से चोट भी लग गया होगी मारने से, उनको बिठाए सिंहासन पे और पैर दबाते उनके अहंकार की कांतियाँ, उनको अक्षपाल कहते थे, उसको पैर दबा दिया, वो अहंकार टूट गया, जब उन्होंने कहाँ है मैं, अरे राम ये तो क्या हो विष्णु भगवान, फिर माफी मांगते हैं, लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है, वही कोल्हापुर आकर बैठ गए, कहानी बड़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन एक ही कहने का तल एक ही है कि मैं विशेष मुदा देवता एक ही हो सकता है, अनेक नहीं हो सकता। आप 33 करोड़ के नाम पे वाले आहुतियां दे दीजिए, लेकिन मुख्य तो एक होगा, तो पास्या एक ही होगा, अनेक नहीं हो सकता। आप जिसको चाहे उसको चुन लीजिए, आपकी मर्जी है। और यह श्रीयंत्र के मामले में इसलिए कह रहे उपास्या शिव नहीं है यहाँ, उपास्या तो ललिता नहीं है, यह कह रहे। इसे उपास्य रूप ज्ञान विशेष का से निरूपित मुख्य विशेषता, मुख्य जो विशेषता प्रधानता शालिनी है, ऐसी स्वभाव वाली पर देवता ललिता है। तामेव असाधारण नाम न निर्दिशति, उसी को एक असाधारण नाम से निर्देश किया जा रहा है, क्या है उस देवी का नाम, ललिता इति, ललिता है उसका नाम। अत्र इसमें फिर उपाधि क्या है इस ललिता का, क्या है उपाधि जिसे सोपाधिक होकर विशेष रूपा को प्राप्त कर गई,
वह किंचित उपाधि आपने कहा था, कहा क्या है वो उपाधि? अरे सुनो, अत्र सदानंद पूर्णम इति उपाधि कथनम, सदानंद पूर्णम पूर्ण स्वापी पर देवता ललिता जो कहा गया था, वह सदानंद पूर्ण जो शब्द है यही क्या है? उपाधि का कथन है। अर्थात तेना अंतकरणावच्छिन्न से न ललितात्म, ना अंतकरणावच्छिन्न जो जीवात्मा है ना, इसको ललिता नहीं समझना, वेष्टि को, वेष्टि आत्मा को ललिता मत समझो। तस्य उपासक कोटौ प्रवेश, ककार जोड़ो, तस्योपासक कोटौ प्रवेश, उपासक रूपी तत्व तो है ना, ग्यारहवा, ग्यारहवा नहीं कौन सा नंबर था वो, नौवा, नौवा तो उपासक बताया था हमने, उस नौवे के अंदर हो जाएगा, वो दूसरा नंबर में नहीं है, इसलिए तस्य उपासक कोटो प्रवेश, अतएव स्वात्मत्युक्तम, इसे जीवात्मा से अलग करने के लिए, परमात्मा को लेने के लिए हमने यह शब्द क्या प्रयोग किया, स्वात्मा, ऐसे श्रुति बोली है, स्वात्मैव माने स्व माने परमात्मा ही है ये, माने परमात्मा से अभिन्न, शुद्ध ब्रह्म से अभिन्न है ये, जीव नहीं लेना, जो भिन्नत्व ना पशु रूपेण विद्यमान है, पाश से बद्धा हुआ वो उपासक जीव से, जो उपास्या देवी रूपा ईश्वर अभिन्न, ये अलग है। अतएव स्वात्मा स्वस्य उपासक आत्मा अंतर्यामी कथित है ना, स्व जो उपासक है उसका भी जो आत्मा, उसका आत्मा क्या है, जो अंतर्यामी है, जो समष्टि है, वो है ईश्वर है। इत्थंच एक एव आत्मा अंतकरणोपाधिक सन उपासक भवति, इसे निष्कर्ष निकला, एक ही आत्मा अंतकरण उपाधि वाला होकर के उपासक बन जाता है, और सत्व चित्त आनंद रूप धर्म त्रय विनिर्मुक्त धर्म मात्र उपास्य देवता आधारभूत कामेश्वर भवती विवेक। इसलिए सच्चित आनंद रूपा जो धर्म त्रय है, इन संयुक्त जो होती है उसका नाम ललिता, और इन धर्मों से भी जो रहित है उसका नाम कामेश्वर निरुपाधिक। वहां सच्चित आनंद भी नहीं कहना उसको, हम लोग सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म सच्चिदानंद ब्रह्म है, बार बार भाष्यकार इसलिए कहा, ये भी सब सापेक्ष कथन कर रहे हैं, ये तो ब्रह्म का कोई लक्षण नहीं हो सकता, उसको सत्य भी मत कहो ज्ञान भी मत कहो, असत्य की अपेक्षा से सत्य कह दिया, अज्ञान की अपेक्षा से ज्ञान कह दिया, दुख की अपेक्षा से आनंद कह रहे हैं, हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं, सापेक्ष शब्द आवड़ी है सारी चीजें, इसे ब्रह्म को किसी शब्द से कोई वर्णन ही नहीं कर सकता है, दो वाचो निवर्तन प्राप्त मनसा, शब्द से परे वो चीज है, उसके शब्दों से कैसे कह सकते हो, इसे लक्षित इस तरह से की सकते, सापेक्ष शब्दों से लक्षित किया जा रहा है, इसे हम लोग बार बार कहते हैं लक्षण नहीं है, ये लक्षक पद है, भाष्यकार साफ जब कहते हैं उन सब जगहों में आप देखेंगे, उपलक्षण तो और नीचे हो गया, क्योंकि हमारे विशेषण होता है, विशेषण से श्रेष्ठ उपलक्षण, उपलक्षण से श्रेष्ठ उपाधि, उपलक्षण से श्रेष्ठ उपाधि, और निरुपाधि सर्वश्रेष्ठ, जब उसको निरुपाधि कह दिया, अब उपाधि से भी कथन आप लक्षित तो करोगे ना, उपाय से लक्षित कर सकते हैं, इसे सत्यम ज्ञान आनंद विषय क्या है, ललिता की उपाधियां हैं, ये उपाधि है सत्यम ज्ञानम आनंदम आनंदम, ये सब ललिता की उपाधि है, माया की उपाधि, माया के वजह से सुसापक्ष कथन किया जा रहा है। इसे इन्होंने कहा देखो साफ साफ कह रहे हैं, सत्व चित्त आनंद जो धर्म त्रय है उससे विनिर्मुक्त मनुष्य रहित वो कामेश्वर है, और इनके सहित ललिता हो गई, और वही जब अंतकरण से परिच्छिन्न हो गया वृष्टि में आ गया उसका उपासक हो गया जीवात्मा, इन सकल उपाधि रहित का नाम कामेश्वर, इन जो सत्व आदि उपाधि सहित का नाम ललिता उपास्य, और अंतकरण से उपाधि वाला होगा नाम उपासक, उपासक उपास्य और शुद्ध, ये यहां व्याख्या हो रही तीन तत्व। ऐसे जो धर्मी मात्रम उपास्य देवता का भी आधार होता है, उपास्य देवता कौन है ललिता, उसका भी आधार तत्व का नाम कामेश्वर भवदीति विवेक, विवेक करनी चाहिए पूरी वेदांत की निकट आ गया। तदुक्तंच रत्रत्रय परीक्षायाम, रत्रत्रय परीक्षा नाम के ग्रंथ में इसको विस्तार रूपेण कहा गया है।